हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस। सो आज कोई व्लॉग नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल सिंपल छोटी सी क्यूट सी वीडियो होगी। बच्चों की चीजें होती हैं तो वो क्यूट ही होती हैं, सो इसीलिए मैंने बोला है क्यूट सी वीडियो होगी। सो मैंने लास्ट व्लॉग में इस बारे में बात करी थी कि मैंने कुछ सामान मंगवाया है, अमेजोन से कपड़े मंगवाए हैं शेनन के, तो अगर वो मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी। सो कुछ व्लॉग में तो मैं शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि अभी तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, सो आई थॉट कि जल्दी से शेयर कर दूं ये वाले प्रोडक्ट्स, मतलब जो कपड़े हैं मैं शेयर कर दूं। सो ये रहा अमेजोन का पैकेट एंड मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी, जल्दी छोटी सी क्यूट सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जेनुअली काफी अच्छे कपड़े आए। नॉर्मली अगर आप जैसे अमेजोन लाइक आप ओपन करते हो, ठीक है, अमेजोन आपने खोला, ऊपर आप लिखोगे सर्च में कि क्लोथ्स फॉर बेबी या बेबी गर्ल या कुछ भी, तो ना कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जो लिटरली आपको देखने से भी पसंद नहीं आएंगे। व्यूज होंगे या रिव्यूज होंगे, मतलब मॉडरेट रिव्यूज थे, तो मैंने कभी भी ज्यादा कपड़े, मतलब एक दो कभी मंगवा लिया होगा, वैसे तो मैंने नहीं मंगवाए हैं कभी भी कपड़े अमेजोन से, बट ये वाले कपड़े मैंने नहीं मंगवाए। ये कपड़े कुलप्रीत ने मंगवाए हैं, मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे बता दिया था कि हाँ कपड़े मंगवाए हैं, बट जनरली काफी अच्छे एंड अमेजोन से आपको मिल रहे हैं मैक्स के कपड़े, मैक्स के बच्चों के कपड़े आपको मिलेंगे और क्वालिटी आपको पता है मैक्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो जो भी जैसे जैसे हाथ में आएगा, मोस्टली टी शर्ट्स ही हैं ये सारी की सारी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट और ये 2 से 3 साल के बच्चे की सिर्फ यही एक टी शर्ट है, थोड़ी सी जो बड़ी है शेनन को, बट इट्स ओके, इट्स स्टफ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लाइक और 2-3 महीने के बाद डालेगी, बट दिस इज लाइक अ एक डार्क ब्लू कलर की है। क्वालिटी वाइज सारे कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इन सबके लिंक्स जो होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बॉय टी शर्ट, ठीक है, बट इट्स ओके, गर्ल्स भी डाल सकती है। तो ये है सेकेंड एंड अगेन सारे के सारे मैक्स के ही हैं, ठीक है। तो ये रही सेकेंड और ये है स्टेइंग अप लेट विद मॉमी, सो व्हाइट कलर की है यार, इसमें ना काफी वो क्या कहते हैं रिंकल्स आ गए हैं क्योंकि मैंने कपड़े जैसे ही निकाले मैंने रखे और फिर कोई आ गया था तो मैंने कपड़े ना ऐसे ही रख दिए, तो इसलिए थोड़े से रिंकल्स आ गए, बट डोंट वरी, आई एम गोना आयरन इट। तो दिस इज द सेकेंड टी शर्ट, ओके, एंड ये भी है 18 to 24 months के बच्चे की और लिंक्स तो सब मैं दे ही दूंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। और जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल नॉर्मल प्राइसिंग है, कोई ज्यादा हाई रेट्स के नहीं है। एंड दिस इज द थर्ड एंड वेरी क्यूट, सो दिस इज अगेन एज आई सेड मैक्स के ही है ये वाले और ये है पीच कलर में 12 to 18 months का। साइजिंग देख के ही आप मंगवाना, आपको कैसे मंगवानी है, आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को रिटर्न या आप एक्सचेंज कराना चाहते हो, आपको साइज का प्रॉब्लम है तो वो भी इजिली अवेलेबल है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज दिस वन, ये बड़ा अच्छा प्यारा सा लाइलैक सा कलर है, ठीक है, एंड दिस इज 18 to 24 months गर्ल एंड अगेन इट्स अ मैक्स का, ठीक है। और इनकी प्राइसिंग जो है ना 199 है, ठीक है, आपको ऑफर में भी मिल जाएंगे, ऑफर डिपेंड करता है अभी क्या चल रही है या सब पे अलग अलग है, सो इस हिसाब से। तो ये होगी 1, 2, 3, 4 टी शर्ट्स और भी हैं, ओके, ये एक और टी शर्ट, और ये तो कुछ ज्यादा ही रिंकल्स आ गए हैं, ओके। सो दिस इज अगेन बाय मैक्स एंड ये रहा सॉरी, और ये है 18 to 24 months का और ये कुछ यहाँ पे पिंक कलर की डॉट्स हैं, व्हाइट कलर की टी शर्ट है एंड पिंक कलर की इसके ऊपर डॉट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ टी शर्ट एंड एक और है, ये लास्ट एक है, हाँ, और ये है जी, ओके, ये है प्यारा सा पिंक कलर, इसमें लिखा हुआ है फेवरेट गर्ल, या सो ये पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर है एंड 18 to 24 months का मंगवाया है। शेनन विल बी 2 next month तो इसीलिए उस हिसाब से कुलप्रीत ने मंगवाया है, बट सारे एकदम परफेक्ट साइजेस मंगवाया है, बिल्कुल ही क्वालिटी वाइज सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे। और एक है ये बॉटम है, ये एक बड़ी क्यूट सी पजामी सी है ये वाली और बहुत अच्छी, इस पे नीचे लेस लगी हुई है और ये एक बो टाइप सा बना हुआ है एंड क्वालिटी इज अमेजिंग। और ये है 2 to 3 years के बेबी की, तो जैसे कभी मैं शेनन को सूट्स वगैरह पहनाती हूँ या कभी कुछ भी तो उसके साथ आराम से चल जाएगी एंड वैसे भी आप डाल सकते हो, इट्स रियली क्यूट, ये भी मैक्स की ही है,
ठीक है। तो ये सब कपड़े हैं जो मैंने मंगवाए हैं, मतलब मैंने नहीं कुल कितने मंगवाए हैं, बट रियली बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े ये वाले, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कभी भी मैक्स के कपड़े अमेजोन पे, मतलब मुझे कभी ऐसे स्क्रॉल करते हुए कभी दिखे नहीं है, जो भी मुझे दिखते थे मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। मैं फर्स्ट क्राई से नॉर्मली मंगवाती हूँ कपड़े, या शैनन की नानी जो है वो उसके कपड़े सिलती है, जो सूट्स अगर आप देखते होगे तो सूट सारे के सारे शैनन की नानी ने ही सिले हुए हैं, सूट लहंगा कुछ भी चीज कॉट सेट्स हो गए, बाकी जो कपड़े होते हैं वो फर्स्ट क्राई से होते हैं। उसके अलावा मैंने वैसे कभी बाय नहीं किए, एक दो कपड़े शायद कभी मार्केट से बाय किए होंगे, दैट्स इट। मोस्टली फर्स्ट क्राई से ही मैं ऑर्डर करती हूँ, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं कपड़े वाले, मैंने नहीं मतलब कुल प्रिंट में। तो ये सब मैक्स के कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। नॉर्मली अगर आप मैक्स स्टोर पे जाओगे तो शायद से ही आपको इन रेट्स पे या ऐसे वाले कपड़े आपको दिखे, मैंने तो भाई नहीं देखे हैं, बट हाँ मैं जब अब नेक्स्ट जाऊंगी कहीं पे भी लाइक मैक्स स्टोर होगा वहां पे जाके मैं जरूर चेक करूंगी कि ये सेम प्राइसिंग और ये सेम चीज मिल रही है या नहीं। बट फॉर द टाइम मैंने आपको नीचे लिंक्स दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, अपने साइज अपने बेबी के साइज के अकॉर्डिंग आप कपड़े जो है वो चूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप बच्चों के कपड़े देखो प्लीज आप प्राइसिंग कभी मत देखो, क्वालिटी देखो, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए कपड़ों की क्वालिटी देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय।